हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स वो में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स, या ऐसा भी कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जहाँ पे से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता हो। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1100 सेंटर्स, 350 एग्जाम सिटीज, 77 शिफ्ट और 27 एग्जाम डेट्स, ये मैं आपको 2016 जो एनटीपीसी एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसका डिटेल दिखा रहा हूँ, जो एक महीने तक एग्जाम अप्रॉक्स चला था 27 दिन तक। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो 2016 में वैकेंसी था, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया गया था, वो अप्रॉक्स 1 करोड़ 96 लाख या 92 लाख के अप्रॉक्स था। तो जो उस एग्जाम को कंडक्ट करने में इतना सारा अरेंजमेंट करना पड़ा था, 27 दिन तक एग्जाम चला था और 1100 सेंटर को मैनेज करना पड़ा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो 2018 में 25 मिलियन 2.5 करोड़ वैकेंसी सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया गया है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट करना पड़ सकता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, कितना सेंटर एग्जाम का उनको मैनेज करना पड़ेगा, कितने दिन तक एग्जाम चलेगा। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है जो ऑफिशियल एग्जाम डेट में आपके डिले हो रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपका एप्लीकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। जो दूसरा रीज़न है वो अभी एप्लीकेशन फॉर्म का शॉर्टिंग चल रहा है। शॉर्टिंग का मतलब ये है कि 2016 में क्या देखा गया था कि जो एप्लीकेशन कैंडिडेट का जो फोटो था, कैंडिडेट का जो फोटो था उसके जगह पे कई सारे फिल्म स्टार्स के फोटो या फिर कई सारे क्रिकेटर्स के फोटो को आरआरबी ने अप्रूव कर दिया था, क्योंकि वो चेक नहीं किए थे। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, कि इतना बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है और इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान दिया। तो इस बार उन सब कंट्रोवर्सी ना हो, उन सब को अवॉइड करने के लिए आरआरबी मैन्युअली, जैसा कि बताया गया, मैन्युअली चेक हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म कि इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से जो है इसमें टाइम लग रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम डेट का, तो जो कि बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो 30.3 मिलियन स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसमें से कंप्लीट हुआ 5 मिलियन एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली कंप्लीट स्टूडेंट ने सबमिट किया, जिसका शॉर्टिंग अभी चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एग्जाम है, 90,000 वैकेंसी के अगेंस्ट 25 मिलियन फॉर्म जो है वो फिल किए गए हैं। तो आप इस समझ लीजिए कि कितना बड़ा एग्जाम है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करना है कि किस हाई लेवल का कंपटीशन ये होने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आगे बात करने जा रहे हैं आपके एग्जाम प्रोसेस से रिलेटेड, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, पिछले एग्जाम या फिर काफ़ी सारे एग्जाम में जो चीटिंग के केसेस आते हैं या जो मिस बिहेवियर, मिस कंडक्ट, जो भी आप कह सकते हैं उसको, उस चीज़ को सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए रेलवे ने इस बार डिसाइड किया है कि जो आरआरबी जो है वो 10 से 15 दिन एडवांस में, एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी का इन्फॉर्मेशन देगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम है, और 2 दिन पहले आपको सेंटर का पता चलेगा कि कौन से सेंटर पर आपका एग्जाम है। क्योंकि अगर पहले से ये पता चल जाता है एग्जाम सेंटर या फिर सिटी, तो क्या होता है कि जो जॉब रॉकेट्स जो चलाते हैं वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर को मैनेज करने का, और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर को मैनेज भी होता है, जिसकी वजह से चीटिंग केस आते हैं, फ्रॉड केस आते हैं, और जो अनडिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं वो डिज़र्विंग कैंडिडेट का सीट कहीं ना कहीं ले लेते हैं। तो इस चीज़ को, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए रेलवे ने ये डिसीजन लिया है कि 2 दिन पहले आपका जो है वो आएगा, एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल आएगा। तो देखिए, जो 25 मिलियन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किए गए हैं वो इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है बना रहा है आफ्टर 2016 में, क्योंकि 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, और 2014 में भी इसी के अप्रॉक्स 60 या 70 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट ने फिल किया था। लेकिन ये जो 2018 है, 25 मिलियन सबसे बड़ा एग्जाम वर्ल्ड का ये कंडक्ट हो रहा है, कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी आपको बताऊंगा 2016 से, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिएगा। तो देखिए, एक चीज़ और इसमें जो बड़ा अपडेट है कि मोस्टली ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट है वो ग्रुप डी या फिर लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हैं, टेक्निकल डिग्री वाले या नॉन टेक्निकल डिग्री वाले। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए कि किससे आपका कंपटीशन होने वाला है, अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आपका किससे कंपटीशन होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक आपको डेटा दूँ कि 2016 में जो
1 करोड़ बच्चे ने फॉर्म फिल किया था, और टीयर वन का जब रिजल्ट आया था तो सिर्फ 1.7 लाख ही स्टूडेंट जो है उसको क्लियर कर पाए थे एग्जाम को। तो कंपटीशन जो है बहुत कम स्टूडेंट में होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना बस प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। तो देखिए एग्जाम जो है 2016 की तरह, उम्मीद है कि TCS जो सबसे बड़ा कंसल्टेंसी सर्विस है वो इस बार फिर से आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि ये 2016 में काफी कम केस देखा गया था चीटिंग या फिर किसी और चीज़ का। तो इस वजह से इस बार भी उम्मीद है कि TCS को ही एग्जाम कंडक्ट करवाने का आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए बीवेयर ऑफ जॉब स्कैम ग्रुप। अगर किसी आदमी से आप मिलते हैं या कोई कॉल आता है आपके पास कि आपको इतना रुपये में आपको ग्रुप डी का जॉब या लोको पायलट का जॉब मिल जाएगा, तो इन सब अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि इस बार बहुत कम चांस है कि किसी तरीके का चीटिंग हो पाए। आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है फॉर्म को, और अगर फिर भी आप किसी पे भरोसा करते हैं और पकड़े जाते हैं, जो कि मैक्सिमम चांस है कि आप पकड़े ही जाएंगे, तो आगे आप डिवार्ड हो जाइएगा, कोई भी एग्जाम नहीं दे पाइएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपका लाइफ भी खराब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहे और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे आपको नया अपडेट मिला होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। और मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम। लाइक करिए वीडियो और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड